हमारे बीच में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डायरेक्टर संजय दुबे जी पधारे हुए हैं। मानव अधिकार की बात आपके सामने करेंगे, लेकिन संजय दुबे साहब जब ये मानव अधिकार हेक्सले साहब बना रहे थे तो गांधी जी ने उनको एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में गांधी जी ने लिखा कि अगर दुनिया के प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करने लग जाएं, तो सभी मनुष्यों को अपना अधिकार अपने आप मिल जाता है। और उन्होंने कहा, माई इलिटरेट मदर बट माई वाइस मदर, मेरी अशिक्षित माँ परंतु मेरी समझदार माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था कि दुनिया के प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करने लग जाएं, तो सबको अपना अधिकार अपने आप मिल जाता है। और आपका मानव अधिकार क्या होगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप आके समझाइए हमें प्लीज। श्रद्धेय स्वामी जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री हेगडे जी, मंच पर स्थापित सभी विशिष्ट एवं प्रतिष्ठित अतिथिगण, छात्रवृंद और अन्य सभी उपस्थित श्रोतागण, दुनिया में एक देश है, उसका नाम है हॉलैंड। और दुनिया का यह एक ऐसा इकलौता देश है जिसकी लगभग 20% जमीन समुद्र से वहाँ के लोगों ने अथक प्रयास और परिश्रम से निकाल करके अपने राष्ट्र में जोड़ी है। और वहाँ के लोगों का गुजरात की ही तरह मुख्य पेशा था समुद्र के पानी से नमक बनाना। और जो मजदूर दिन भर में नमक बनाते थे, तो दिन भर में जितना नमक बनता था या महीने भर में, उसका दसवां हिस्सा मजदूरों को मिलता था और उसे अंग्रेजी में कहा जाता था सेलेरियम। सेलेरियम इसलिए कहा जाता था कि सॉल्ट मतलब नमक जो बनाते हैं उसका हिस्सा, उसको कहा जाता है सेलेरियम। और धीरे धीरे यही सेलेरियम वर्ड इतना प्रचलित हुआ कि आगे चलकर आजकल की भाषा में उसको सैलरी कहा जाता है, जिसको हर सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी महीने के अंत में अपना पारिश्रमिक के रूप में ग्रहण करता है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में आज ये कहावत है अंग्रेजी में, जिसको कहा जाता है बी ट्रू टू योर सॉल्ट, और हिंदी में हम लोग कहते हैं कि अपने नमक के साथ वफा करना। इसीलिए जो सरकार में जितने अधिकारी बैठे हुए हैं उनको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑफिसर्स और हिंदी में कहा जाता है अधिकारी। इसीलिए अधिकारी लोगों को जो शब्द मिला है अधिकारी, इसका मुख्य कारण यही है कि वो लोग अधिकारों के संरक्षण, संरक्षक, प्रणेता, पोषक के रूप में देखे जाते हैं। सरकारी कर्मचारी का ये दायित्व है कि वो प्रजा का नौकर है और उसे जितनी अधिक सेवा कर सके उतना ही अधिक उसका सार्थक है अपना ट्रू टू द सॉल्ट, ट्रू टू हिज सैलरी। इसी बारे में अभी स्वामी जी ने जैसे बताया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने अधिकारों के बारे में लिखा है कि अधिकारों को मैंने अगर सीखा है तो वो सीखा है अपनी माँ से, जो ताउम्र मेरे सोने से उठने से पहले और मेरे सोने के बाद तक जागती रही और उसने अपने कर्तव्य एवं निष्ठा के साथ परिवार में इतना कुछ दिया और किया है कि वह माँ ऐसी मूर्ति बन गई है कि उसको स्वतः ही सारे अधिकार प्राप्त हो गए हैं। इसीलिए जितना अधिक हम कर्तव्य करते हैं उतने अधिक हमें अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं।
कर्तव्य और अधिकार यह दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, इन्हें विच्छेदित नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि दुनिया में हर राज्य जिस प्रकार की सभ्यता के लिए जाना जाता है उसको नापने का यही तरीका होता है कि उस राज्य में कौन से प्रकार के मानवाधिकार या अधिकार वहां पर लोगों को दिए जाते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण यह भी है कि एक बार मैकमोहन लाइन, जो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है, भारत का एक पतला दुबला कुत्ता वहां पर मिला और चीन का एक मोटा तगड़ा कुत्ता वहां पर मिला। दोनों देख करके एक दूसरे को गुर्राए तो भारत का कुत्ता बोला कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो उसने पूछा तुम क्या कर रहे हो। भारतीय कुत्ते ने कहा मैं चीन जाना चाहता हूं क्योंकि भारत में बोलने को बहुत है लेकिन खाने को यहां मिलता नहीं, इसीलिए तुमने मेरी हालत देख ली है। तो चीन का कुत्ता बोला कि मेरी हालत देखो कि मैं खाते खाते पेशेंट होने जा रहा हूं, मोटा हो गया हूं, कि चीन में कुत्ते तो खाते खूब हैं लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलता। तो यह बताता है कि चीन भी एक प्रजातांत्रिक साम्यवाद है लेकिन अभिव्यक्ति के अधिकार वहां पर सम्मानित नहीं है। भारत में अभिव्यक्ति के अधिकार हैं लेकिन भोजन के अधिकार सम्मानित नहीं है। आज की पूरी दुनिया में लगभग 193 देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, उनमें से कुल मात्र 18 ऐसे देश हैं जहां के संविधान में अन्न का अधिकार उल्लिखित है, जबकि हमारे संविधान में जीवन का अधिकार, लेकिन बिना अन्न, स्वास्थ्य, जल, वायु, यह सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टाइम पर इसी की व्याख्या की है और शायद करती रहेगी। तो जीवन और जीवन के समस्त आधार और प्राणभूत आधार उसको इसी में माना जाता है। मानवाधिकार वास्तव में कुछ नहीं है, यह वह है कि हम कैसे परस्पर एक दूसरे के व्यक्तित्व को और व्यक्ति के अधिकार का सम्मान करते हैं। अगर हम सेवा भी करते हैं तो किस मुस्कुराहट के साथ करते हैं या खिन्नता के साथ करते हैं। द वे वी डू ऑफर अवर सर्विस टू समवन दैट ऑल्सो मैटर्स। अगर कोई मैं अधिकारी हूं और किसी का काम करना है और मैं काम करके मुंह पे फेंक दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने दायित्व को पूरा किया है, मैंने दायित्व का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया भले दायित्व का निर्वहन किया हो। इसलिए सर्विस विद ए स्माइल, दैट इज द फर्स्ट एंड द प्राइमरी मोटो जिसको हमें अपने गहन में, जेहन में ध्यान रखना है। मानवाधिकारों की कल्पना वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, जब हजारों और लाखों की संख्या में लोगों की जाने गईं, अरबों खरबों की संपत्तियों का विनाश हो चला था, तब समूची मानवता ने एक बार पुनः बैठकर सोचा कि इस तरह तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उसी समय जब संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन हुआ तो उसी वर्ष 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की घोषणा की गई। इस घोषणा पत्र का जो प्रारूप तैयार किया था जिसमें कुल 30 मानवाधिकार उल्लिखित हैं, उसका प्रारूप जो तैयार किया था वो फ्रांस के रीने कैसिन थे। और दुर्भाग्य की बात यह है और भाग्य की विडंबना देखिए कि मानवाधिकार की जो नींव रखने वाला है, जो प्रथम प्रणेता है जिसने लिखा, उसके योगदान को सराहना 1968 में जाके मिली 20 वर्ष बाद, जब शांति के लिए उसे नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।
तो जो भी लोग विकास का कार्य करते हैं या जो स्थायी निर्माण या मानवता के लिए कुछ कार्य करते हैं, उनके प्रयत्न इतने अथक होते हैं कि जब तक वो थक चुके होते हैं, इस समाज से चले जा चुके होते हैं, तब जाकर के उनकी कृतित्वों का लोगों को भान होता है। और यही स्वामी जी ने आज सवेरे कहा था कि विनाश पल भर में किया जा सकता है, पूरी मानवता को एटम बम से एक दिन में, एक घंटे में मिटाया जा सकता है, लेकिन पूरी मानवता को जो आज की स्थिति में है, शायद हजारों वर्ष में जो इसको बनाया गया है, इसको दोबारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। मुझे आप लोगों के बीच अपना विद्यार्थी जीवन याद आ रहा है, जब मैं एक कवि सम्मेलन में था और गोपालदास नीरज, जो कि भारत के एक प्रतिष्ठित कवि रहे हैं, उन्होंने मानवाधिकार के बारे में जो कुछ बातें कही थी, जो मेरे जेहन में अभी भी हैं, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, चल रहे हैं जो उन्हें चलकर सड़क पर देखो, तैरने वालों को तट से नहीं लहर से देखो, देखना ही है इंसान में भगवान तुमको, तो आदमी को सिर्फ आदमी की नजर से देखो। दूसरी तरफ गोपालदास नीरज ये भी कहते हैं, क्या करेगा प्यार वो इंसान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, जन्म लेकर आदमी की गोद में, जो कर न पाया प्यार सिर्फ इंसान से। तो ये इंसानियत के दो ऐसे पुख्ता प्रश्न हैं जो सदैव हमारे अंतर में उठते रहेंगे। जहां तक मानवाधिकार की बात है, यह बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मानवाधिकार या अधिकार अपने आप में कुछ अलग नहीं होता। वास्तव में अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में जो संपूर्ण दायित्व है, वह हमारे न्यायालय प्रणाली को ही है, वही हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। और संविधान में हमारे सारे अधिकारों का संदर्भ है, भले वो कोर्ट में मिले चाहे कोर्ट के बाहर मिले। जैसे मौलिक अधिकारों में हमारे जितने अधिकार हैं, उसके उल्लंघन पर हम सीधे न्यायपालिका के दरवाजे को खटखटा सकते हैं, लेकिन राज्य को जो नीति निदेशक तत्व हैं, तथा पूरे संविधान में ऐसे कई अधिकार हैं जो लिखे हुए हैं, लेकिन वो एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन उनकी मान्यता है। जो सबसे बड़ा अधिकार जो संविधान में लोग गौर नहीं करते, वो है संविधान 321 में अनुच्छेद में है, वो है राइट टू वोट, जो कि हमारे प्रजातंत्र की नींव है, वही अधिकार है जिसके तहत हम सभी वोट देते हैं। मानवाधिकारों के अंतर्गत वैसे तो करीब 32 कानून या दस्तावेज पूरी दुनिया में बन चुके हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं, उनमें से 8 हैं। उन 8ों की चर्चा करने से पहले मानवाधिकार का मैं आर्थिक रूप भी आपके सामने बताना चाहूंगा, जो आज की तारीख में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह है मानवाधिकार से संबंधित, वह 2 विषय हैं। पहला, कि पूरी दुनिया से मृत्यु दंड को समाप्त किया जाना, और भारत में भी इसकी पहल लोगों ने शुरू कर दी है। दुनिया के लगभग 22 देश अपने देश से मृत्यु दंड को समाप्त कर चुके हैं। वहीं जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक नया कानून जो सबसे आखिरी और लेटेस्ट है, वह है माइग्रेंट वर्कर्स, जिसे हम प्रवासी मजदूर कहते हैं, जो हमारे देश से जाकर के दूसरे देशों में काम करते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, दुनिया के तमाम वो मजदूर जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों में जाकर के मजदूरी वगैरह का कार्य करते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा कौन करे, इसके लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बना है। देखने के लिए मजदूर एक बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अमेरिका में
उसी के नजदीक और पड़ोस में एक मैक्सिको राज्य है। वहां के मजदूर लोग जाकर के अमेरिका में काम करते हैं और वहां से जितनी रिमिटेंसेस जो उनको साल में मिलती है वो मैक्सिको का 28% इकोनॉमी को जोड़ता है। मतलब मैक्सिको की अगर पूरा जो बजट है अगर 100 रुपए का, तो उसमें से 28 रुपए अकेले वही मजदूर कमा करके कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे देश की आर्थिक दशा चलती है। उसी प्रकार नेपाल का, बांग्लादेश का लगभग 18 और 12% उनकी इकोनॉमी को, जितनी भी फॉरेन से रेमिटेंसेज आती हैं वो उसकी इकोनॉमी को मजबूत करती है। लेकिन यहां जो बात मैं कहना चाहता हूं वो जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया में जो लोग विदेश जाकर के प्रवासी लोगों ने देश में जो रेमिटेंसेस भेजी हैं उसमें पूरी दुनिया में सर्वाधिक रेमिटेंस अभी 2 साल पहले तक नंबर 1 पर चीन था और दूसरे नंबर पर भारत था, जबकि इस वर्ष से भारत दुनिया में सबसे बड़ा और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेमिटेंसेस रेसिपिएंट कंट्री बन चुका है। और यह जो मजदूरों का जो भेजा हुआ पैसा है, जब दुनिया में सर्वाधिक पैसा हमारे पास आ रहा है, तो ये मजदूर चाहे गैर मजदूर उनकी पसीने की कमाई है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में उसका योगदान महज 2.3% ही है। इसीलिए इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के कारण इसका उतना महत्व तो नहीं बनता जितना कि नेपाल, बांग्लादेश या मैक्सिको जैसी देशों में पड़ता है। जो अंतर्राष्ट्रीय और कानून हैं, विशेष करके महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, जो शारीरिक और मानसिक रूप से जिनको फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड अक्षम लोग हैं उनके अधिकार, उसी तरह टॉर्चर या जेलों में जो उत्पीड़न होता है ऐसे अधिकार, इस तरह के जो कुल मिलाकर के 8 से 10 दस्तावेज हैं जिसके लिए पूरी दुनिया में प्रयास चल रहा है कि इसको पूरी दुनिया में लागू किया जाए। क्यों? कि अधिकार वास्तव में मानव की गरिमा, अस्तित्व और उसकी बोध गम्यता के प्रतीक होते हैं। अधिकार विहीन मानव एक पशुवत होता है और कोई मनुष्य अपने विकास को विकसित जब ही कर सकता है, अपने व्यक्तित्व की चरम परिणति को जब ही पा सकता है जब वो अपने को प्रदत्त समस्त अधिकारों का सही ढंग से निर्वहन तथा उपभोग करे। इसीलिए अधिकारों का अधिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अभी एक पॉलिटिकल कमेंट भी आया था कि वास्तव में भारत में प्रजातंत्र तो है लेकिन यहां प्रजातंत्र की कुछ अब ओवर डोजिंग हो गई है। जो पुराने सीवीसी थे उन्होंने जो सबसे भारी चिंता व्यक्त की थी, विशेष करके माननीय न्यायमूर्ति श्री हेगडे साहब की उपस्थिति में, उस बात को मैं कोट करना चाहूंगा कि आज की तारीख में अगर पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन है तो और कहीं नहीं, वो हम ही में छुपा हुआ है और उसका नाम है भ्रष्टाचार। पुराने सीवीसी ने अपने एक स्पीच में कहा था कि भ्रष्टाचारी से हमको समस्या नहीं है, एक प्रत्येक भ्रष्टाचारी व्यक्ति के पीछे एक पूरा भ्रष्टाचारी परिवार है। जैसा कि स्वामी जी ने सवेरे आप लोगों से कहा है और आप सब लोगों ने एक संकल्प लिया है कि आप अपने माता पिता से कहेंगे कि अगर एक भी गलत पैसा वो ला रहे हैं तो आप उसका उपभोग नहीं करेंगे, उसी प्रकार का अगर हमारे देश में सभी लोग संकल्प ले लें, पूरा का पूरा परिवार, कि अगर हमारे पिता या माता कोई भी गलत कमाई के साथ हमारे यहां पैसा ला रहे हैं उसका हम उपभोग नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि किसी का कोई भी अभिभावक इतनी धृष्टता कर पाएगा कि वो गलत पैसा कमाने के लिए दौड़े चाहे प्रयास करें। दुर्भाग्य यह है कि आज की तारीख में हमारे देश में
गलत पैसे का बड़ा भारी सम्मान सा हो गया है। जिसके पास जितना अधिक पैसा है उसी से उसे उसको सम्मान दिया जाता है, यह नहीं देखा जाता कि पैसा कमाने का माध्यम क्या है या इसके पास पैसा कहां से आया है। मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पैसा कमाने में या घूस देने में आम आदमी अगर कुछ अपने स्वभाव से देता है तो कई ऐसे मजबूर लोग भी हैं जिनको मजबूरी में घर बार बेच करके घूस का पैसा देना पड़ता है। जैसे पुलिस का केस है, अगर आपने नहीं दिया तो फंसा देगा, केस को उल्टा कर देगा। या नौकरी मिलने वाली है लेकिन आपका नौकरी का पेपर नहीं दे रहा है, नहीं होगा तो समय बीत जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा। घर में शादी है लेकिन बैंक से लोन अगर 5 दिन के भीतर नहीं मिलेगा तो लोन बारात लौट जाएगी। ऐसी कुछ मजबूरियां काफी हद तक होती हैं जो मजबूर तो करती ही हैं एक बेबस इंसान को घूस देने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक वह व्यक्ति है जो इन इंसानी मजबूरियों का लाभ उठाता है और उसका शोषण करता है। इसलिए भ्रष्टाचार, जो आज मैंने कहा कि दुनिया में आज की तारीख में मानवाधिकारों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको हमको पहचानना होगा। और संयोग से आज के परिवेश में यह कहना चाहूंगा कि पूरे देश में एक हलचल सी मची हुई है, और अगर यह हलचल अपनी मुकाम को हासिल करती है तो शायद मानवाधिकारों के इतिहास में और क्रांति में यह एक वो शांत पन्ना होगा जिससे कि मानवाधिकार आगे तक अग्रसर होगा। मानवाधिकार आजकल घूसखोरी में इस प्रकार भी बढ़ गया है कि एक बात मुझे अभी याद आई, उनसे भाईचारा का सिलसिला कुछ ऐसा चला, उनसे भाईचारा का सिलसिला कुछ ऐसा चला, मैं समझूं भाई उन्हें और वो समझें चारा मुझे। तो आज का रिश्ता भाईचारे में अब ऐसा हो गया है कि कौन किसको अपना भाई समझ रहा है और कौन भाई किस भाई को अपना चारा समझ के चबाए जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना आज की तारीख में मुश्किल हो गया है। मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के संबंध में मैं ये बताना चाहूंगा कि यह 1948 में दस्तावेज बना, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उस दस्तावेज को जो लिखने वाले थे एक फ्रेंच स्कॉलर थे, उनको नोबेल प्राइज जब जाकर के 1968 में मिला तब पूरी दुनिया में पुनः एक बार हलचल पैदा हुई थी कि मानवाधिकारों के ऊपर वास्तव में कुछ किया जाना है। तभी उस घोषणा पत्र को तोड़ करके दो भागों में बांटा गया। जो पहला भाग था उसका नाम रखा गया नागरिक और राजनैतिक मानवाधिकार, जिसमें कुल 15 अधिकार उल्लिखित हैं, तो बाकी जो 15 अधिकार हैं उसको सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मानवाधिकारों के नाम से उद्बोधित किया गया। इस प्रकार जो घोषणा पत्र है आज की तारीख में दो भागों में बटा हुआ है, राजनैतिक और दूसरे को कहा जाता है आर्थिक। 15-15 ऐसे अधिकार हैं जिसके अंदर जितनी और अधिकार पूरी दुनिया में दिखाई देते हैं वो सब इसी में से जन्म लेते हैं, इसी में से विकास पाते हैं, अपना नया रूप पाते हैं, नई परिणति पाते हैं, नई अपनी ऊंचाइयों को पाते हैं। वास्तव में उसके बाद से अभी तक कोई नया मानवाधिकार न बना है न बनेगा। यह वो 30 बीज मंत्र हैं जो मानवाधिकारों से जुड़े हुए हैं। यह बात भी यहां बताना जरूरी समझ रहा हूं कि 1948 में मानवाधिकार का दस्तावेज भले तैयार हुआ लेकिन मानव तो सदियों से, हजारों लाखों वर्ष से इस दुनिया पर जी रहा है, तो क्या वो बिना अधिकारों के जिया है? इसका जवाब यही है, नहीं। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उसके अधिकार उसको स्वतः ही
जन के साथ मिल जाते हैं, ये मांगे नहीं जाते। लेकिन पहले मानवाधिकारों की जगह इसका नाम हुआ करता था प्राकृतिक अधिकार। जो प्राकृतिक अधिकार होते थे, इनको कहीं कोडिफाइड नहीं किया गया था किसी दस्तावेज में, इसीलिए यह समय सापेक्ष होते थे, यह धर्म सापेक्ष होते थे, यह समाज सापेक्ष होते थे, अपने समुदायों के सापेक्ष होते थे, इसीलिए इनमें सार्वभौमिकता नहीं थी। जैसे आज विशेष धर्मों में विशेष बातें कही गई हैं अनुसरण की, कि यह करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए, जो उस धर्म के लोग मानते हैं। लेकिन मानवाधिकार को सार्वभौमिक इसीलिए माना जाता है कि यहां पर किसी धर्म, समाज, समुदाय, किसी का कोई भेद नहीं है, सारे मानवाधिकार सभी मानवों के लिए हैं। और यही कारण है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आज मानवाधिकारों का पोषण और संरक्षण और उसके प्रमोशन के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, यह उपनिषद की इस वाणी को अंगीकृत करते हुए आगे अग्रसर है। और सारे के सारे मानवाधिकार हमारे रामायण की एक पंक्ति में तुलसीदास ने लिख दिया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परहित मतलब दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और परहित पर पीड़ा और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा दुनिया में कोई अधर्म नहीं है। और यही सत्यता है, पीड़ा और परोपकार यही एक दूसरे के दो विलोम हैं। यहीं पर एक जो कड़ी है जिस पे कसौटी कहा जाता है, नापा जा सकता है कि क्या गलत और सही है, उसका नाम है सत्य। सत्य नास्ति पुरो धर्मा, सत्य ही आधार है और उसकी कसौटी है कि जो भी पीड़ादायक है एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे विशेष व्यक्ति को, वह अधर्म है, और जो भी दूसरे आदमी को परोपकार द्वारा प्रसन्न करता है यह उसके अंतर को छूता है, इसलिए वह पीड़ादायी नहीं है। मैं जानता हूं कि वंश पर ऐसे ऐसे अद्भुत और आकर्षक व्यक्तित्व आज पीठासीन हैं कि आप लोग सुनने के लिए लालायित हैं, और मैं ज़्यादा समय लेकर शायद अपने से और आप लोगों से भी अन्याय करूंगा, क्योंकि मैं भी उनको सुनने के लिए तत्पर हूं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने बात को समाप्त करना चाहता हूं कि अब तक हमने दुनिया में मंगल ग्रह के ऊपर ये खोजने की कोशिश की है कि वहां पर जीवन है या नहीं, इस प्रयास को अब कम कर दीजिए। अब जरूरी यह है कि आज से हम यह प्रयास करें कि यह देखें कि हमारे जीवन में मंगल है या नहीं, और इस मंगल को कैसे लाया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। देवे साहब इधर रहो ना।